जिस दिल में ना हो इश्क़े हुसैन इब्ने अली, जिस दिल में ना हो इश्क़े हुसैन इब्ने अली, उस दिल को तुम शहरे खमोशा ही समझो। जिसकी कली कली पे ना लिखा हो अली अली, उस बाग को तुम बस बेआब्यां ही समझो। आपको पता है जो मौजू चल रहा था वो मैंने एक मिनट के लिए रोका है। ये मोहब्बत का मौजू सिर्फ इस जुमे चलाना है, क्योंकि सारे काम दुनिया के रुक सकते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं मेरी रुक सकती। यानी अगर मुझ पे कोई शय कभी गालिब आई है ना मेरे अकल के ऊपर, तो एक ही चीज़ गालिब आई है, वो मोहब्बत हुसैन इब्ने अली जो है ना, ये मेरी अकल पर गालिब आ गई। इधर आके मैं बेबस हो गया, मैंने बड़े अकल के तीर चलाए हैं। जुमे जो चल रहे हैं वो पिछली अगली दफ़ा मनहज और मकसद की बातें होंगी, लेकिन इस जुमे क्योंकि मुहर्रम का ये 10 तारीख आ जानी मंगल को, तो उसके बाद फिर ऐसा नहीं आना, उससे पहले ये वक्त है इमाम हुसैन इब्ने अली का जिक्र करना, और शदीद मोहब्बत से करना, और इस तरह से करना कि मैंने साफ कह दिया कि जिसके दिल में ना हो इश्क़े हुसैन इब्ने अली, उस दिल को तुम अब शहरे खमोशा ही समझो। वो दिल नहीं रह गया, वो कोई कब्रस्तान है कि जहां पर हु का आलम तारी है और उसके अंदर कोई नहीं रहता, और वीरानी है, उस वीरानी और सुनसाने के अंदर सिवाय शैतानों के गौल के और कोई नहीं रह सकता, या मुर्दों की आवाजें वहां से, वो जिंदा दिल नहीं रह गया, वो मुर्दा दिल है। इसलिए इस वक्त में, जिस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तमाम अहले हदीस मस्जिदों के अंदर इमाम हुसैन का खुतबा बंद हो चुका है, और आज भी एक बहुत बड़े आलम ने ऐलान किया कि आज फजाइल मुआविया बयान करके ना मैंने एक दफा पूरे जितने हुसैनी इनके दिल जलाने, बदमाश और जालिम मौलवी वो अहले हदीस है। और अखीर उसने ये पोस्ट लगा के मुझे तो आग लगा दी भी, मैं कहूं कि अब अगर ये मौसम इमाम हुसैन का नहीं, जब देखो तुम पीटते हो कि तुम क्यों हजरत उमर का दिन मनाते हो और क्यों हजरत उस्मान का मनाते हो, उन दिनों हुसैन का मना लिया करो। नहीं, जिनके दिन है उनके ही मनाने, मैं दिन मनाने के शरीर खिलाफ हूं, लेकिन ये इमाम हुसैन का वक्त है, इसको कोई आदमी उनसे ये फजीलत छीन नहीं सकता। ये उल्टे हो जाए, झूठी यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत बनाई जबकि वो 26 ज़िलहज को फौत हो चुके थे, ये सारा इनका झूठा किस्सा है। इसलिए अजीजो, जब तक हजरत इमाम हुसैन का जिक्र नहीं आना, मैं चैन से बैठ नहीं सकता। मेरी रूह के अंदर यही एक चीज है जो इस वक्त मुझे बेदार करके रखे हुए, वरना मैं कब का मर चुका होता, मुझे कोई गरज ही नहीं रह गई। अगर इमाम हुसैन का मैं जिक्र ना करूं तो किस तरह से इस मुल्क के अंदर हुर्रियत और आजादी की आवाज उठेगी, और किस तरह वो खिलाफत दोबारा आएगी जिसके लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, और 950 साल हजरत नूह खपा गया, और इब्राहिम आग में डाला गया, और मूसा के हिजरतें करनी पड़ गई, और ईसा अलैहि सलाम को तख्तादार तक ले गए थे। मुझे ये बताएं कि ये मैं किस तरह हजरत हुसैन का जिक्र रोक दूं, कोई बंदा मुझे बताए। बरकर इनको नासबियों को बताने के लिए यही काफी कि शियों के खिलाफ जो सबसे बड़ी किताब लिखी गई वो इब्ने तैमिया ने मिनहाज सुन्ना 4 जिल्दों के अंदर लिखी है, उसका जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 551 पर वो लिखते हैं इस हदीस के तहत जो हजरत फातिमा बिनतल हुसैन ने अपने बाप से सुनी हजरत हुसैन से, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुनी, और मुस्लिम आमद के अंदर आया कि ये जब मुसलमान किसी के ऊपर कोई मुसीबत नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है पढ़ती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब पढ़ लेता है तो अल्लाह उसको उतना ही अजर अता फरमाता है जितना कि अजर उस जिस दिन मुसीबत पड़ी थी उस पर सब्र करने का दिया। वहां पर फिर वो लिखता है ये रिवायत हुसैन इब्ने अली की है जो उसकी बेटी ने यहां पर पढ़ी है, फइन्ना मुसीबतुल हुसैन, और हुसैन की मुसीबत ऐसी है कत्ले हुसैन जिसे याद करते रहना चाहिए, वो कहता है इसका जिक्र कमा इनके अगर छोड़ दी, अगर कोई आदमी और जितना लंबा भी जमाना मर्जी गुजर जाए तो मुसलमान के लिए ये मशरू है, ये जायज है कि उसके ऊपर वो दोबारा से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। ये है इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने शियों के रद में खालस किताब लिखी है ना, ये उसकी जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 551 जाके निकाल के पढ़ ले, और वो जिक्र करे इमाम हुसैन का जिन दिनों में इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। हर वक्त सहाबा का ढोंग रचाने वाले ये नासबी और खारजी सिर्फ जिस वक्त इमाम हुसैन का जिक्र आता है उस वक्त ये जिक्र नहीं करना चाहते, और चाहते हैं कि इस जिक्र को ना एक आम सी चीज बना के रख दे। जिक्र आम नहीं हो सकता भाईजान, मैं आपको ये आम होता ना, ये जो कहते कि नहीं इमाम हुसैन से मोहब्बत और उनके दुश्मनों से नफरत, ये कोई ऑप्शनल शय होती ना तो फिर तो मैं कहता कि ठीक है जी कोई ऑप्शनल शय, ये ऑप्शनल शय नहीं कि आप कहें कि इख्तियारी है, कर ली मोहब्बत, कोई ना भी करे तो कोई बात नहीं है, होती इमाम हुसैन के दुश्मनों से नफरत ना भी करे
तो वो फरमाता है कि इससे ये वो कहता है ये इख्तियारी चीज है, तब भी कोई नहीं, ये शरीयत का मसला है और ये छोड़ देगा जो आदमी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देगा, ये मैं साफ आपको साफ बात बता दूं।